अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। संकट में फंसी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट, बागी बिगाड़ रहे खेल। जौनपुर जनपद की मुगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल सीट मानी जाती है, लेकिन उतारे गए प्रत्याशी के प्रति असंतोष के कारण बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। उम्मीदवार की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई, लेकिन माना जा रहा था अंततः बागियों को मना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं समाजवादी पार्टी ने जातीय वोट को अपने पाले में लाने के लिए पटेल उम्मीदवार पर दांव लगाया है। पर्चा दाखिला के अंतिम दिन दिलीप राय बलवानी का टिकट काटकर पंकज पटेल को उम्मीदवार बना दिया। सपा ने इस सीट पर यह फार्मूला फिट किया कि उसकी परंपरागत वोट के साथ पटेल बिरादरी की वोट भी उसके पाले में आ जाए और सपा यह सीट जीत ले। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर दिनेश शुक्ला बहुजन समाजवादी पार्टी की कैडर वोट के साथ ब्राह्मणों की वोट अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश किए। बागियों का साथ एवं असंतुष्ट ब्राह्मणों का साथ पाकर वह भी मजबूत लड़ाई में आ चुके हैं। सूरमा से अधिक इस सीट पर साथियों का रिएक्शन भी चुनाव को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल इसमें कोई संदेह नहीं कि अब यह सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंस चुकी है। चुनाव में चुनाव प्रबंधन भी बहुत महत्व रखता है। कुशल चुनाव प्रबंधन हो तो परिणाम बदल देता है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन होगा मुगरा का अगला विधायक, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस सीट पर अब भाजपा की राह आसान नहीं है। वर्ष 2012 में सृजित इस विधानसभा सीट पर एक बार भाजपा ने अपना परचम लहराया है तो दूसरी बार बसपा ने अपना परचम लहराया। भाजपा और बसपा के बीच सीधी टक्कर होती रही है। इस बार समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीतने में पूरी ताकत झोंक दी है। देश प्रदेश एवं जौनपुर जनपद की खबरें प्रमुखता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।